दोस्तों अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हो तो इस वीडियो से आप दूर रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आज पाकिस्तान की जमकर रिलाई करेंगे, वो भी प्रूफ के साथ, और आपको प्रूफ करके बता देंगे कि अभी के टाइम में भारत के बाद अगर कोई दूसरा एशियाई टीम है जो कि सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान की टीम है। अब इसको कैसे प्रूफ करूंगा आप इस वीडियो में देख लेना, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जा रहा है, इसमें टोटल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और इन 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया था और चारों ग्रुप में पांच पांच टीमें रखी गई थी और पांच टीम में से दो टीम ऐसी थी जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन वाली टीम थी चारों ग्रुप में। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ग्रुप कितना इजी था, मतलब एक ग्रुप में दो टीम ऐसी थी जो कि एक दूसरे से कम्पीट कर सकती थी, बाकी के तीन टीम ऐसी टीम थी जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं थी। अब आप समझ लीजिए कि भाई साहब कितना आसान था सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना, बट फिर भी सुपर 8 के लिए पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई नहीं करा। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान का क्रिकेट का लेवल कितना डाउन हो चुका है। और ऐसी बात नहीं है कि भारत के अलावा कोई और मजबूत टीम इनके ग्रुप में हो, नहीं, अगर इस ग्रुप की बात करें जिसमें पाकिस्तान और भारत थी तो इसमें कनाडा, यूएसए और आयरलैंड की टीम थी। अब भाई साहब यूएसए से अगर आप मुकाबला हारते हो तो आप समझ लीजिए कि आपका क्रिकेटिंग लेवल क्या पहुंच गया, और ये वही पाकिस्तान की टीम है जो कुछ दिन पहले ही अपने आर्मी से ट्रेनिंग लेकर आई थी और खुद को नंबर वन पेस फैक्ट्री वाली टीम कहलाती है। वहीं इनके पास दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज भी है जिनको ये बाबर आजम के नाम से जानते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें अफगानिस्तान की टीम, तो भाई साहब अफगानिस्तान का अगर लास्ट दो आईसीसी टूर्नामेंट देखा जाए तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दी है, चाहे आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो या फिर इस बार वाले T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो। 2019 वर्ल्ड कप की अगर बात करेंगे तो वहां पे अफगानिस्तान की टीम को लगातार 9 मैच हारने पड़े थे, लेकिन जिस तरह से वापसी उन्होंने 2023 वाले वर्ल्ड कप में करा आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वहां पे उनकी उतना ही पॉइंट थे जितना पाकिस्तान का था। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं। अगर लास्ट दो टूर्नामेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पे पाकिस्तान से कहीं ऊपर हमें अफगानिस्तान की टीम नजर आई है। इस बार के वर्ल्ड कप में भी देखा जाए तो उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है। भाई साहब अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराकर इस बार सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, वहीं पाकिस्तान की टीम यूएसए से हार कर सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गई। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान का लेवल और अफगानिस्तान का लेवल क्या है, मतलब एक टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई वो भी न्यूजीलैंड से टीम को हरा के, वहीं दूसरी टीम पाकिस्तान जो खुद को नंबर वन टीम कहलाती है वो यूएसए की टीम से हार कर सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गई। इंडिया के खिलाफ तो उनका हारना तय ही रहता है, इसमें थोड़ी सी भी संदेह नहीं है, बट वो यूएसए के खिलाफ हार कर बाहर हुई है। वहीं अगर पिछले दो आईसीसी टूर्नामेंट का कंपैरिजन इन दो टीमों के बीच करें तो अफगानिस्तान की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है इस बार, वो भी तीन मुकाबले में तीनों मुकाबले जीतकर। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम ने मात्र एक मुकाबला जीता है। वहीं अगर बात करें 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की तो वहां पे भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पॉइंट्स था वो बराबर था और वहां पे भी उन्होंने काफी टफ कॉम्पिटिशन दी थी अपोजिट टीम को जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन थी। वहीं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो उनको जिम्बाब्वे कभी हरा देती है, कभी नीदरलैंड हरा देती है, कभी आयरलैंड हरा देती है और कभी यूएसए भी हरा के निकल ही जाती है। और अफगानिस्तान की टीम वो टीम है जो कि सरप्राइज देती है, यानी कि वो कभी साउथ अफ्रीका को हराती है, कभी श्रीलंका को हराती है, कभी बांग्लादेश को हराती है, तो कभी न्यूजीलैंड को हराती है। अब अगर इन दो टीमों के बीच अगर कंपैरिजन करा जाए तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम ऐसी है जो कि अभी के टाइम में बेहतर टीम है, तो भाई साहब आप बिना सोचे समझे बोलोगे कि पाकिस्तान की टीम है। बट प्रूफ के साथ अगर देखा जाए और अगर फैक्ट के साथ देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की टीम से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है पिछले दो टूर्नामेंट से। अगर आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लो तो वहां पे भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, हालांकि वो अलग बात है कि पाकिस्तान घिसते पिसते फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, वो भी भगवान के भरोसे और कैलकुलेटर के सहारे, लेकिन वहां पे अफगानिस्तान ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और अपने लेवल के सभी टीम को हराया था। और पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड की टीम से हार गई आपको याद ही होगा, पर आपको यह भी याद होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो एक रन से हारी थी। अब अगर अभी के टाइम में इन दोनों टीमों के बीच कंपैरिजन करा जाएगा और मुझसे पूछा जाएगा कि इन दोनों टीमों में से किसका बेहतर रिकॉर्ड रहा है तो मैं सीधा बोलूंगा अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान के तरफ से जितने भी बल्लेबाज या फिर गेंदबाज हैं पाकिस्तान के गेंदबाज और बल्लेबाजों से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे आप नवीन उल हक को ले लो या फिर फजल उल फारूकी को ले लो, जबकि ये ऐसे दो गेंदबाज हैं जिनको कभी भी टॉप लेवल की गेंदबाजी के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता, जबकि हाई पीरियड किसके नाम पर किया जाता है, साहिन अफरीदी और नसीम का, जबकि इन दोनों के कंपैरिजन में इन दोनों गेंदबाजों का रिकॉर्ड काफी बेहतर है। वहीं अगर बल्लेबाजी में बात करें तो भाई साहब ना ही करें तो बेहतर है, बाबर आजम को तो ये किंग बोलते हैं, बट जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है भाई साहब प्लेइंग 11 में भी उनको जगह ना दिया जाए।
वहीं अगर राशिद खान का कंपैरिजन कर लिया जाए तो अब पाकिस्तान के पूरे टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा जो कि राशिद खान के 10% भी हो। चाहे आप सदाब खान को ले लो या फिर नवाज को ले लो, कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है या फिर ऑलराउंडर नहीं है जो कि राशिद खान के लेवल को कम्पीट कर सके पाकिस्तान की टीम में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाद दूसरी सबसे बेस्ट एशियाई टीम कौन सी है तो आपका जवाब क्या होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि इस बार भारत और अफगानिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।